श्राज पता नहीं आज क्या हमें बना के खिलाया गया। देखें ये वेजिटेबल्स वगैरह काट रहे हैं और यहाँ पे चावल भी गए हैं। बाकी चिकन किधर है? फ्रिज में पड़ा है। फ्रिज में है और एग्स वगैरह पड़े हैं। फ्राइड राइस बनाने लगा है। कह रहा था मैंने सब कुछ खुद ही करना है। मैंने कहा ठीक है करो। फातिमा उठ नहीं रही। फातिमा को रहता मुझे थोड़ी सी डोज देनी पड़ेगी यार, वो फिर उठेगी। फातिमा आवा क्या आ रही है? चले शराब अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स वगैरह काट ले फिर मिलते हैं। अभी 3 बजे हुए हैं। 3:01 हुआ है अभी। सारे वेजिटेबल्स जो भाई ने काटे थे वो डाल देंगे इकट्ठे। अपने तरीके से बना रहे हैं ना। मिर्च मैंने बहुत कम डाली है। मिर्च कम डालनी है। चावल में जो चाय चाहिए जी आगे मेरा डाली चाहिए काम हुआ। ये हो जाए फिर आपको ऑर्डर करते हैं। और मैं बैठी है सामने मैं चुकी है। मिर्चें थोड़ी कम रखना ही है ना और हो जाए सारा दिन। प्याज तो लगनी है। कम मिर्च में डालनी है। काली मिर्चें काली मिर्चें कम श्रास हर चीज़ कम डालना। मुझे आज इन्होंने छुट्टी दी है बस ठीक है। मैंने कहा बनाओ खुद ही। नमक मैंने डालना है हाथ से। हाथ से क्या होगा श्रास? हाथ होला हाथ खुले हाथ से डाल रहा है नमक। जल्दी जल्दी बस करके इसमें क्या करोगे हमें थोड़ा सा बताओ। इसके इसमें एग डाल दोगे? एग डालूंगा। हाँ चलो ये जरा अच्छी तरह पहले ब्राउन हो जाए ना। ये नरम नरम होती है ना फिर सही मज़ा आता है। ये हार्ड हार्ड हो ना फिर मज़ा नहीं आता चावल में। बस एक अंडा तोड़ने का बहुत ही जरूर है। देखिए एक भी छिलका नहीं अंदर गया। 3 अंडे डाल रहा है। मिक्स करो थोड़ा सा नमक बट ऊपर से नमक ले लो। नहीं नमक पहले डाल दो। बस खाओ जो देसी तरीके ना। मुझे ना जीरा पसंद है इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा जीरा भी डालना जिसको नहीं पसंद वो ना डालें। देख पक गए बिल्कुल कि मैंने इतना बड़ा चम्मच पहले कभी चलाया नहीं है तो एक्सपीरियंस नहीं है थोड़ा सा। ठीक है ये शवारमे वाला ही है तो इसका कच्चा था लेकिन इतना टाइम नहीं था कि उसको बॉइल करें। कौन फ्राइड राइस बनाता है? हम हमारा स्टाइल है ये। हम नहीं अच्छी। वो पहले देख लेंगे चावल भला ज्यादा होते ज्यादा क्यों नहीं है। ये देखो शेफ को जानते हैं आप? जो नहीं जानता वो आज मेरे पास। नहीं जानता आज मेरे पास में से कुकिंग सिखाऊं। ये कौन है? मेरी आज छुट्टी है। बस कितने दिनों से कह रहा कि मैंने इतना फ्राइड राइस बनाने। हालांकि सैरी में तो कह रहे मेरा अपना स्टाइल है। मैंने तो कहा है कि नहीं इंसान को अच्छा लगता है। टाइम हो गया तो तकरीबन 3:35 और अभी आधा घंटा बाकी है। सैरी बंद होने में फातिमा भी थी और आप सबको बहुत ज़्यादा जुमा मुबारक। आज रमज़ान का हो सकता है आज जुमा हो क्या पता। हम एक दिन पहले ईद कर ले हमारे साथ भी पता होता है जब मर्जी ईद हमारी तो अभी कुछ पता नहीं है इस वजह से। बस चावल बन गए और चाय बन गई और अब तो कुछ आ गए जी वो रही सामने में। चलते हैं वापस भाई की तरफ। अभी मैंने ना एक और चीज़ बना ली वापस इसमें मैं डाले हैं खीरे काली मिर्च नमक और दही। ये बन गया पूरा। इसके अंदर अभी एक मैंने और चीज़ डाली है मिर्चें मैंने डाली हैं कम। मैं खाता हूँ ज़रा तेज़ मिर्चें।
ਲਾ ਪੈ ਰਹੀ ਕਰੇ ਜੋਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਠ ਲਈ ਮੈਂ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਚਲੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਰਾ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਆ ਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆਪਸ चले जी सैरी वगैरह हो गई है हमारी ठीक है अब आपसे मुलाकात होगी सुबह मॉर्निंग के व्लॉग में शराज जो है ना अंदर अपनी तारीफें खुद ही करते हुए कि अम्मी को बताओ कैसे चावल बने हैं तो चावल अच्छे बने थे सीरियसली अब आप अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सब मिले आप सब प्रियत होंगे हम भी प्रियत हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप भी जहाँ रहे हंसते मुस्कुराते रहें अपने घरों में चावल बांटें तो मैं बता रही हूँ पकौड़े फातिमा कर रही है शराब का सामान तैयार और हरमैन बना रही है वीडियो हरमैन आज कैमरा मैन बनी हुई है मुझे रोजा बहुत लग रहा है आज फातिमा का रोजा भी है फाइनली फातिमा का आज रोजा है आप खुद ही नहीं रखने देती फातिमा तो रोज कहती है कि मैंने ये उठती नहीं है इसको मैं रोज जगाती हूँ ये मेरे पास खड़ी है मुकर नहीं सकती इसको मैं रोज जगाती पता कैसे है मुझे टांग का भी असर नहीं होता अच्छा जागा ही जाती है यस मामा यू आर राइट हाँ तो मामा क्या कह रही थी आप क्या आप रोज उठती हैं आप हालांकि रोजे मैं रोजा नहीं रखती पर मैं सहरी रोज करती हूँ जब शराब और फातिमा शराब और हम रोजा रखते हैं ना तो बाद में मैं भी थोड़ा सा खाती हूँ जरूर जी बिल्कुल जरूर खाती हूँ आज हमने खाना नहीं बनाया क्योंकि सुबह जो है वो शराब ने राइस बना लिए थे तो रात का हमारा सालन वैसे ही पड़ा है और अम्मी हमने कहा है हमें आप बाहर से कुछ मंगवा के देंगे और ये रही मैं अभी फातिमा बना लेगी तो फिर दिखाएंगे आपको और पापा भी आ गए हैं क्या आप सब रोजा मेरे आप भी ठीक हो गए आप भी ठीक हैं अभी रोज़ा तो मेरा नहीं है लेकिन अफ्तारी कर मैं घर ही आता हूँ लेकिन ऐसे लग रहा है अबू को फुल रोज़ा लगा हुआ है गर्मी इतनी है ये हाल है कि सबको ऐसा लगता है कि रोज़ा लगा हुआ है शराज का फोन आ रहा है हमारा फैन जो पापा कब लगना है ये कब लगना है ये सुबह एक और दिन भाई निकालते हैं एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ एक हाथ से निकालना एक हफ्ता हो गया है इलेक्ट्रिशियन जाना वो हमें मिल नहीं रहा रीज़न ये है कि अबू इस टाइम आते हैं और इस टाइम आपको पता है इफ्तार का टाइम होता है और लोग नहीं होते ये रीज़न है सियालकोट गया जो हमारा पर्सनल है हमारे घर के बिल्कुल साथ ही रहता है हमारा ज़्यादा काम वही करता है वो काम के सिलसिले में सियालकोट गया हुआ है जिस वजह से ये मसला हो रहा है माशाल्लाह ना टूट नहीं वाला ये उनकी वजह से पहला रोज़ा है कि प्यास लग रही है मुझे बिल्कुल नहीं लगा इसने सुबह ना स्पाइसी चावल बनाए थे नहीं वो चाइनीज चावल बनाए थे वो चावलों की वजह से ना आज सारा दिन ये डिस्टर्ब ही रहे जी सारी हमने रख ली है बाबा बाहर बाजू कर रही हैं ये रही है मैं अपनी चल रही हूँ अम्मी पंखा चल रही है वो पंखा साइड में पड़ा हुआ है बोले बस ये लग रही सायरन बज गया है आवाज़ आ रही है बस रोजे के बाद आप सुन लगा तो ये टाइम बहुत शॉर्ट होता है इस टाइम जी